दुर्ग जिला हॉकी संघ द्वारा दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में दोहरी खुशी मनाई गई, जिसके चलते सभी खिलाड़ी बच्चों द्वारा आतिशबाजी कर राहगीरों को लड्डू बांटा गया। दुर्ग जिला हॉकी संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ का सदस्य और दुर्ग जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद के नेतृत्व में बुधवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में दोहरी खुशी मनाई, जिसे भारत का चंद्रमा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर वृहद स्तर पर बाजे गाजे के साथ आतिशबाजी कर आम राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ी बच्चों ने केक काटकर मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को लड्डू बांटकर दोहरी खुशी का आनंद लिया। इस मौके पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद और उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे भारत की जो चंद्रयान की लैंडिंग थी आज सफलतापूर्वक वो हो गई, ये भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरी खुशी हमारे सूबे के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उनका जन्मदिन था, उसका भी हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पर आज पटाखा फोड़ के मिठाई उठाई बांट के। और छोटे बच्चे जो हॉकी संघ के बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं अभी उभरते हुए खिलाड़ी, आगामी समय के लिए जो माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे यहाँ एस्ट्रो ट्रिप की घोषणा की थी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज हम छोटे बच्चों को अपने जन्मदिन के रूप में एस्ट्रो ट्रिप का भूमि पूजन करके एक सौगात के रूप में जल्द से जल्द देंगे, ताकि ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकेंगे। देश में जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई सफल, उसकी ये खुशी मनाया गया है। और दूसरा इस बात की खुशी कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनका जन्मदिन के पक्ष में यह आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हमारे हॉकी दुर्ग हॉकी ग्राउंड के सभी बच्चे आए और यहाँ पे पटाखा फोड़े और केक काटा गया और लड्डू का वितरण किया गया। और स्टार्टअप की जो सौगात जो हमारे दुर्ग हॉकी ग्राउंड के सभी बच्चों के, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे हॉकी ग्राउंड को घोषणा रूप उसको बनाने के और भूमि पूजन करने की कृपा करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।